नमस्कार दोस्तों, अभी अभी दो मिनट पहले की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। तूफान का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। अब तक दोस्तों 45 लोगों की मौत हो गई है, सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हैं, 6 करोड़ से अधिक लोग बिना बिजली के रह रहे हैं, बिजली इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बंद। जैसा कि मैंने आपको 4 दिन पहले ही बताया था कि तूफान आने वाला है और तूफान अमेरिका से टकरा गया है। अमेरिका में बर्फीले तूफान से अब तक 45 लोगों की जान जा चुकी है। इस तूफान से लाखों घर बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं और आपको बता दें यहाँ जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। तूफान ने बुफालो न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा भयंकर से अति भयंकर तबाही मचा दी है। यहाँ दोस्तों आपको बता दें आपात प्रतिक्रिया के प्रयास बाधित हो रहे हैं। शहर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आज भी दोस्तों बंद है, सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं, यहाँ पूरी तरीके से सब कुछ बंद हो गया है, हालात काफी बिगड़े हुए हैं। अमेरिका में अधिकारियों ने बताया कि दोस्तों तूफान की चपेट में आने से कार दुर्घटना, पेड़ गिरने और तूफान के अन्य असर को बताया गया है। न्यूयॉर्क के गवर्नर कैथी होचुल ने कहा कि बुफालो नियाग्रा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सोमवार को भी बंद रहा है। बुफालो में प्रत्येक अग्निशमन ट्रक हिमपात में फंसे हुए हैं, सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। हालात दोस्तों पूरे के पूरे खराब हैं, पूरे देश में हाहाकार मच रहा है। जबकि कहा है कि दोस्तों आपात वाहन दोस्तों पूरी तरीके से बर्फ में फंसे हुए हैं, वो नहीं निकल पा रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ दोस्तों बर्फीले तूफान ने भयंकर से अति भयंकर तबाही मचा दी है। जबकि यहाँ के एक अधिकारी ने बताया कि पूर्वी अमेरिका में 6.5 करोड़ लोग अंधेरे में रह रहे हैं, यानी कि बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई है। सड़कों पर बर्फ ही बर्फ दोस्तों छाई हुई है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बिजली दोस्तों कटौती हो रही है, जिसके बाद दोस्तों लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अमेरिका के 9 राज्यों में बर्फ का तूफान है, जिसके चलते 45 लोगों की मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि दोस्तों हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। आप सभी अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें।